हेलो राम राम भाई, सबको क्या हाल है? आई होप सब कुछ बढ़िया होगा, है ना? तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 12 शुरू करते हैं। कल हमने अपना चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट किया था, जिसमें था ट्रांसपोर्टेशन एंड एनिमल्स एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब हमारा एनिमल्स और प्लांट्स में हमारे फूड और वाटर का मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने अपने चैप्टर नंबर 11 में कवर कर लिए हैं। अब आज हम अपना चैप्टर नंबर 12 कवर करेंगे, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, मतलब नए प्लांट्स हमें कैसे मिलते हैं देखने को, कैसे बीज कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये अपना चैप्टर नंबर 11, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब अपने जैसे नई चीज़ें बनाना, सेम टू सेम, जैसे हम इंसान हैं जैसे, या फिर प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स भी चाहेगा, सनफ्लावर का प्लांट है तो वो चाहेगा कि उसके जैसे बहुत सारे हों। तो मतलब टू प्रोड्यूस इट्स काइंड, अपने जैसा कुछ नया बनाना, मतलब प्रोड्यूस करना, ये हर एक किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो जो नए इंडिविजुअल्स बन रहे हैं, उनके जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके पेरेंट्स में से, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम अपने, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे वो रिप्रोड्यूस होते हैं, कैसे नई स्पीशीज प्रोड्यूस होती हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब किस किस तरह से हमारा रिप्रोडक्शन होता है। तो देखो, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर क्या होता है, रूट्स होती हैं उनकी, स्टेम होती है उनकी, लीव्स होती है। तो इन तीनों को क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड दी वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो ये सारी जो रूट्स, स्टेम्स, लीव्स होती हैं, ये सब क्या होती है, हमारी वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ये किसी भी प्लांट की क्या होती हैं, वेजिटेटिव चीज, वेजिटेटिव पार्ट्स हैं हमारे प्लांट्स के। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स। हम सबको पता है कि थोड़ी, जब भी कोई भी प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो क्या करता है कि वो फ्लावर बनाता है, फ्लावर बियर करता है। यू मे हैव सीन दी मैंगो ट्रीज फ्लावरिंग इन स्प्रिंग, इट इज दीज फ्लावर्स दैट गिव राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट वी इंजॉय इन समर। तो मैंगो ट्रीज के ऊपर स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, फ्लावर बनना शुरू हो जाते हैं। तो उन्हीं फ्लावर्स में से हमारे क्या होता है, मैंगो, मतलब हमारा आम बनता है, जो वो उन्हीं फ्लावर्स की मदद से बनता है, उन्हीं फ्लावर्स में से बनता है। ठीक है, वी ईट द फ्रूट्स एंड यूजली डिस्कार्ड द सीड्स। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि हम फ्रूट सारा खा लेते हैं और जो उसके बीज होते हैं हम उसको फेंक देते हैं। सीड्स जर्मिनेट, सीड्स जो मतलब बीज होते हैं वो क्या करती हैं, वो जर्मिनेट करती हैं एंड नया प्लांट बनाती है। सो वॉट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन प्लांट्स, फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ओके, फ्लावर्स क्या है हमारे, रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारे प्लांट के। अब देखो, हम जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो हम दो तरह के से कर सकते हैं, उनको हमने दो टू टाइप्स में बांटा हुआ है, टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इन दोनों में फर्क क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स। मतलब हमें जिस रिप्रोडक्शन में सीड्स की ज़रूरत नहीं है उस रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे हम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जिस रिप्रोडक्शन में हमें सीड्स की नीड है उसको क्या कहेंगे हम, न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स, उसको क्या कहेंगे हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या, जिसमें हमें सीड्स की ज़रूरत नहीं है, विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स हम न्यू स्पीशीज, न्यू प्लांट्स हम बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या होती है हमारी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहला पार्ट है वेजिटेटिव, पहला पार्ट है आप कह सकते हो, पहला टाइप है जो है, होता है क्या, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा था कि हमारे स्टीम, वो स्टेम्स, लीव्स और रूट्स क्या है हमारे, वेजिटेटिव पार्ट्स हैं कि नहीं है, है ना, ये हमारे क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, इट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मतलब अगर हमारा रूट्स, हमारा स्टेम्स, हमारे लीव्स, हमारे बर्ड्स, जो इन ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे प्लांट्स में, ट्रीज में, अगर इनकी हेल्प की वजह से हमारा कुछ भी रिप्रोड्यूस हो रहा है, उसको क्या कहेंगे हम, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्यों कहेंगे, क्योंकि रूट्स, स्टेम, लीव्स क्या है हमारी, एक हमारे फ्लावर की, हमारे प्लांट की, सॉरी, हमारे फ्लावर, हमारे प्लांट की, हमारे ट्री की, ये सारी चीज़ क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, जैसे ये हमारा रोज होता है, अब आप किसकी रोज को, ये जो यहाँ पे ये स्टेम ही तो है, ये इसमें हल्की सी बड़ आई हुई है, इस स्टेम को आप काट के दोबारा से लगा देना सॉइल में, तो क्या होगा, नया, एक नया प्लांट बन जाएगा। तो इसमें हमें किसी सीड की जरूरत तो नहीं पड़ी ना,
हमें हमें किसी और थोड़ी सिर्फ स्टेम की, तो इसी को क्या कहते हैं हम, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे नहीं मतलब देखो ये भी है हमारे पर, आपने अपने घर पे आलू देखे होंगे, वो देखे होंगे ऐसे, उस पर कभी कभी ऐसे आता है हरा हरा सा, देखा हो तो आप लोगों ने। और जो हमारा अदरक होता है उसमें भी ऐसे ये होते हैं बाल टाइप, हेयर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें ये। तो इन सब के थ्रू ये क्या है, इन ये एक फ्लावर, ये एक प्लांट है ना, पोटैटो हो गया, ये जिंजर हो गया, ये भी तो कुछ हैं इनमें, इनकी ये वेजिटेटिव पार्ट्स ही तो हैं, इसके वेजिटेटिव पार्ट्स ही तो हैं सारे। इनके थ्रू क्या होता है, आप इतना सा आलू छील लो यहाँ से, थोड़ा सा निकालो और इसको आप सॉइल में गाड़ दो, तो आप देखना कि यहाँ पे नया आलू का पेड़ उग जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, वेजिटेटिव पार्ट्स की मदद से हम नई चीज़ रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। ब्रायोफाइलम हैज बर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ लीव्स। ब्रायोफाइलम भी देखो, ये ब्रायोफाइलम है, ये इसमें बर्ड्स होती हैं। लीव्स क्या है, हमारी वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, इनके थ्रू लीव्स में से क्या निकल रहे हैं, नई लीव्स निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे, रिप्रोड्यूस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। प्लांट्स प्रोड्यूस बाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो एंड बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस बाई सीड्स। देखो क्या कहना चाह रहा है, अब आपने एक तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की हेल्प से एक प्लांट ग्रो किया, एक आपने किया सीड की मदद से एक प्लांट ग्रो किया। तो जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मदद से आपने प्लांट ग्रो किया है ना, वो वाला प्लांट जल्दी ग्रोथ करेगा एज कम्पेयर टू जो आपने सीड्स के थ्रू ग्रो किया है, ये कह रहा है इस बात में, ठीक है। ये वही, द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट एज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। अब आपने आलू जो आपका जो पोटैटो था, आपने उसको थोड़ा सा छीला, जो उस पर आई आई हुई थी उसको क्या कहते हैं हम, आई, जो ये पोटैटो पे ये जो आ रखा है ना हल्का हल्का सा, हम इसको कहते हैं पोटैटो की आई। अब आई मतलब आंख। अब आपने देखा कि जब आपने इसको निकाला और इसको सॉइल में बरी कर दिया, गाड़ दिया, तो नया प्लांट प्रोड्यूस हो गया। तो वो क्या होगा, बिल्कुल जैसा ये वाला आलू था, जैसा आलू है, मतलब सेम टू सेम उसके जैसा प्रोड्यूस हो जाएगा वो नया वाला। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमें, हमने क्या किया इसमें, सिर्फ एक सिंगल पोटैटो का यूज़ किया है हमने, कोई दूसरी स्पीशीज की मदद से रिप्रोडक्शन नहीं किया है। इसकी वजह से क्या होता है, सिंगल सेल, सिंगल पेरेंट की वजह से, जो हमारा पेरेंट प्लांट की वजह से, जो हमारी न्यू प्लांट की, न्यू प्लांट जो बनता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनता है अपने पेरेंट प्लांट की। ओके, ये हमारा एक मेथड हो गया हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आता है हमारा बडिंग। देखो इतना सारा लंबा चौड़ा जो भी इस पे लिखा हुआ है मैं वो नहीं पढ़ूंगा, मैं छोटी छोटी सी चीज मतलब आपको पूरी इस पूरे उसका बता देता हूँ। उसमें सिंपल सी बात यह है, यीस्ट सेल होता है, देखो यीस्ट, जो यीस्ट होता है ना, यीस्ट ये रिप्रोडक्शन करता है हमारे बडिंग से, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन आए, कहीं पे भी आए, कोई भी पूछे बडिंग का कोई एग्जांपल दो, तो आप कहते ना ईस्ट है भैया, सर ईस्ट है, ईस्ट प्रोड्यूस जो रिप्रोडक्शन करता है वो विद द हेल्प ऑफ बडिंग करता है। अब देखो ये ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट का एक सेल है। अब ईस्ट ने क्या किया, ये ईस्ट ऐसी थी पहले, ठीक है, ये अब इसने क्या किया, धीरे धीरे ना ये ऐसे ऐसे ना बड बनाने की, बड बनाने लग जाती है, बड, इसको क्या कहते हैं हम, बड है हमारी ये और फाइन हो जाएगी बिल्कुल। एक मिनट, गलत बन गया ये, देखो मैं क्यों ही बना रहा हूँ, यहाँ पे है तो ये देखो, पहले ये इतनी थी, अब बिल्कुल आपको यहाँ पे आके अलग अलग दिखने लगी होगी। अब देखो ये अलग हो गई, अब ये क्या है, ये बर्ड, ये नया यीस्ट सेल बन गया, पहले ये कैसा था, अब ये भी देखो ये भी सेम ऐसा ही है ना, बस इसका छोटा साइज है। तो ये नया सेल बन गया, तो मतलब नया सेल बन गया मतलब क्या हो गया, रिप्रोड्यूस हो गया कुछ नई चीज। तो यही चीज है, बस इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। किसी भी सेल्स में से हमारी ये बर्ड टाइप स्ट्रक्चर निकल के नया प्लांट, वो क्या कह सकते हो आप उसको, मतलब न्यू यीस्ट सेल बना लेगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, उसको इस चीज को हम क्या कहते हैं, बड। हमारी द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम यीस्ट सेल इज कॉल्ड अ बड। द बड ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म्स अ न्यू यीस्ट सेल। द न्यू यीस्ट सेल ग्रोज, मैच्योर्स एंड प्रोड्यूस मोर यीस्ट सेल्स। समटाइम अनदर बड arises from the bud forming a chain of buds, जैसे यहाँ बन रही है chain of buds. If this process continues, a large number of yeast cells are produced in a short time. Okay, हमारी budding भी complete हो गई। अब हम आते हैं अपनी fragmentation पे। Fragmentation का मतलब क्या होता है, देखो ये एक आपके पास लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, ये पूरा एक टुकड़ा है, आपने इसके चार हिस्से कर दिए,
तो क्या कर दिया आपने, एक फ्रेगमेंट, दो फ्रेगमेंट, तीसरा फ्रेगमेंट, चौथा फ्रेगमेंट, हिस्से कर देना, मतलब उसके फ्रेगमेंट कर देना। अब देखो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या प्रोड्यूस होती है, हमारी जो एल्गी होती है ना, एल्गी आपने काई देखी होगी, आप कभी गांव में जाना, वहां पे तालाब होते हैं जिसको पोखर कहते हैं, पोखर, उस पोखर के ऊपर देखना आपको हरा ही हरा दिखेगा बस, ऊपर ऊपर हरा 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 दिखेगा बस। तो वो पता है क्या है, अगर वो ये है जैसे पूरी ये पूरी एक हरी लेयर है, अब अगर ये यहाँ से तीन जगह इसके एक दो तीन हिस्से हो गए कि नहीं हो गए, एक दो तीन हिस्से हो गए, मतलब अब ये तीन नई चीज़ बन गई, पहले ये सिंगल थी, अब पहले ये पूरी सिंगल थी, अब ये नई तीन हो गई, नई तीन एल्गी बन गई, ठीक है। ये है इसका मतलब, फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है, ये पूरा एक है, अब आपने इसके तीन हिस्से कर दिए, तो ये एक पूरी एल्गी थी, अब ये हमारे पास तीन एल्गी हो गई, एक दो तीन एल्गी। तो इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन करना विद द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, छोटी सी बहुत आसान सी बात थी। अब आता है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है हमारा, देखो आपने कभी घर के बाहर निकलते हो खेलने जाते हो, तो आपने ऐसे बहुत छोटे छोटे से पड़ते वो देखे होंगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपने स्पोर स्पोर फॉर्मेशन मतलब स्पोर्स आपने ऐसे बाल बाल से, और ये ऐसे वाइट टाइप, एक वाइट ऐसा होता थोड़ा सा और वाइट ऐसे करके उड़ता हुआ देखा होगा आपने हवा में कभी ना कभी तो ज़रूर एक बार। तो इसी टाइप के सेम क्या होते हैं हमारे, स्पोर्स होते हैं, ठीक है। स्पोर्स क्या होते हैं हमारे, स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज विच ईच स्पोर इज अ कवर्ड बाई हार्ड प्रोटेक्टिव कोट विद टू विदस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। मतलब जो हमारा स्पोर है वो एक रिप्रोडक्टिव बॉडी है, उसके ऊपर एक हार्ड कोटिंग, हार्ड प्रोटेक्टिव कोट होता है, ताकि वो, वैसे तो वो बहुत हल्का होता है ताकि वो बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस को कवर कर सके, बट उसके ऊपर एक हार्ड कोटिंग होती है जिसकी वजह से वो हाई टेम्परेचर लो ह्यूमिडिटी को भी सहन कर सकता है, सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर फेवरेबल कंडीशन। इस स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप्स इन टू अ न्यू इंडिविजुअल प्लांट सच एज मॉस एंड फर्न्स ऑल्सो प्रोड्यूस प्रोड्यूस बाई मीन्स ऑफ स्पोर्स। तो ये सारी बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ना। तो यहाँ पे हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता है, हम अपना स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, ए सेक्सुअल में क्या हो रहा था, विदाउट सीड और सिंगल पेरेंट थे, और इसमें क्या होगा, सेक्सुअल में सीड की भी जरूरत पड़ेगी हमें, और हमारे पेरेंट्स पेरेंट जो होंगे वो यहाँ पे डबल हो जाएंगे, मेल फीमेल, ठीक है। ये हो गई हमारी बात। यू नो दैट फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, हमने भी पढ़ा था पहले। स्टेमेंस आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर में दो चीज होती है, एक स्टेमन एक पिस्टल। तो जो स्टेमन होता है वो तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो पिस्टल है वो क्या है, हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टल और ओनली स्टेमन्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। देखो, या तो सिर्फ पिस्टल पिस्टल हो किसी फ्लावर के पास, या फिर सिर्फ स्टेमन स्टेमन हो। अगर किसी फ्लावर के पास सिर्फ स्टेमन है तो वो क्या हो गया, वो एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया, और किसी के पास सिर्फ पिस्टल है तो क्या हो गया, वो भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया। अगर लेकिन अगर किसी के पास स्टेमन भी है और पिस्टल भी है तो वो क्या हो गया, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, वेयर एज मस्टर्ड, रोज एंड पेटूनिया हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ओके, बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट। ये हो गई हमारी बात। मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन अ डिफरेंट प्लांट। यू कुड आइडेंटिफाई द एंथर एंड द फिलामेंट ऑफ स्टेमन। अनादर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स, अनादर कह रहा हूँ, एंथर, जो हमारा एंथर है ना, एंथर क्या है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंथर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो एंथर क्या होता है, एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमिट्स। एंथर के पास पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, मेल गैमिट्स को प्रोड्यूस करते हैं। अ पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। जो हमारा पिस्टल होता है उसके अंदर हमारे पास स्टिग्मा होता है, हमारा स्टाइल होता है, और हमारा ओवरी होता है। जो ओवरी कंटेन्स, ओवरी होती है ना, ओवरी कंटेन वन और मोर ओव्यूल्स, द फीमेल गैमेट और द एग इज फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल। तो जो मेल गैमेट है वो हमारा एंथर में होता है, और जो हमारी फीमेल गैमेट है वो किस में होती है, हमारी ओव्यूल में होती है।
इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए मेल एंड अ फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट, मतलब एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट ये दोनों क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो क्या फॉर्म करते हैं, ये जाइगोट फॉर्म करते हैं। और जाइगोट फॉर्म होता है उसके बाद वो क्या डेवलप होता है, वो डेवलप होता है एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो किस में डेवलप होता है, न्यू प्लांट में। ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब पॉलिनेशन, अभी जाइगोट बूजो पूछ रहा है, बूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ द मेल गैमेट इन द पॉलन ग्रेन रीचेज द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल, मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास कैसे पहुंचता है, उसका प्रोसेस है पॉलिनेशन। देखो एंथर है, ये हमारा स्टिग्मा है, स्टिग्मा है ठीक है, पिस्टल के अंदर होता है ना स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, तो ये हमारा स्टिग्मा है, ये हमारा एंथर है। अब हमारे एंथर पे से पॉलन ग्रेन उड़ के स्टिग्मा पे चले गए, ये एक ही प्लांट है ना, इसी पे तो गए अपने प्लांट पे ही, मतलब अपने फ्लावर के ही स्टिग्मा पे चला गया, तो उसको क्या कहेंगे हम, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर एंथर में से पॉलन ग्रेन उठ के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गया है, ये तो दूसरे फ्लावर है, ये फ्लावर अलग है, ये फ्लावर अलग है, तो अगर ऐसे गया है दूसरे किसी फ्लावर पे, तो उस पॉलिनेशन को क्या कहेंगे हम, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा एंथर का पॉलन ग्रेन, तो क्या होगा हमारा, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो क्रॉस पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पढ़ लिया हमने ये तो ठीक है। अब देखो ये पूरी बात, अब देखो जायगोट फॉर्म होता है, जायगोट फॉर्म होने के बाद एम्ब्रियो फॉर्म होता है, एम्ब्रियो के बाद जो हमारा न्यू है वो हो जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब मेल गैमेट और जो फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन हमने कराया था पीछे, जो फ्यूज हो रहे थे वो, उस फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ अ गैमेट इज कॉल्ड जायगोट। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। द जायगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से न्यू प्लांट बन जाता है हमारा। ये हो गई हमारी बात पूरी। उसके बाद हमने फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन पे, देखो आफ्टर फर्टिलाइजेशन दी ओवरी ग्रोज इनटू ए फ्रूट। देखो एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद ओवरी मतलब एम्ब्रियो के बाद जो न्यू प्लांट बन जाते हैं वो एम्ब्रियो कहाँ से बन रहा है, उसी से बन रहा है ना, हमारे एम्ब्रियो किससे बन रहा है, हमारे ओवरी से में से ही तो बना है निकल के, फीमेल गैमेट से ये सारी चीजें होती हैं। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ द फ्रूट इज राइपेंड ओवरी। जो हम खाते हैं हमारा फ्रूट, वो क्या है हमारी पकी हुई ओवरी, राइपेंड ओवरी है वो। द सीड्स डेवलप फ्रॉम ओव्यूल्स, द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। सीड के अंदर एक एम्ब्रियो होता है, तभी तो हम एक सीड की वजह से भी क्या कहते हैं प्लांट ग्रोथ कर सकते हैं नया, क्योंकि उसके अंदर एम्ब्रियो है। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंज, सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड्स एंड वॉलनट्स। जो है हमारी बात पूरी। अब सीड डिस्पर्जल, सीड डिस्पर्जल मतलब एक जगह से दूसरी जगह सीड का डिस्पर्स होना, ये सारी चीज़ें हमारी किसकी मदद से हो सकती हैं, हमारी वाटर की मदद से हो सकती है, हमारी एयर की मदद से हो सकती है, हमारे किसी एनिमल की वजह से हो सकती है, कि एक पेड़ का सीड किसी दूसरी जगह पे पहुंच गया। अगर ऐसा ना हो तो एक जगह पे ही सारे मतलब एक जगह पे ही एक जैसे सारे प्लांट सूख जाएंगे ना, उसकी वजह से क्या होगा कि एज अ रिजल्ट द सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स। उन्हें क्या कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा उनका ऑफ सनलाइट वाटर एंड मिनरल्स एंड स्पेस। एक ही जगह पे बहुत सारे हो जाएंगे ना, तो उनके कंपटीशन, उनको सनलाइट नहीं मिलेगी, वाटर मिनरल ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से नहीं मिल पाएंगी, तो वो एक हेल्दी प्लांट में ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सीड का डिस्पर्स होना भी ज़रूरी है। तो वो किसकी वजह से होता है डिस्पर्जन, वो मैंने आपको बता दिया, वाटर हो गया हमारा डिस्पर्स बाई वाटर हो गया, हमारा एयर हो गया, हमारा किसी एनिमल्स के थ्रू जा सकता है, तो इन सब चीज़ों के थ्रू हमारा सीड डिस्पर्स हो सकता है। तो ये था हमारा पूरा सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो बडिंग, ये सारी चीज़ें, पोलन ग्रेन, पॉलिनेशन क्या होता है, सेल सीड डिस्पर्सल क्या होता है, गैमेट फ्रेगमेंटेशन, ये सारा कुछ आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर अपना होता है खत्म। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।